फिल्टर सर्किट क्या होते हैं, फिल्टर सर्किट के ऊपर क्वेश्चन थोड़ा कम देखा है, पर मैंने मेंस के अंदर क्वेश्चन आता हुआ देखा है फिल्टर सर्किट के ऊपर। प्रीवियस ईयर के अंदर आपको दिखेगा इस डायग्राम, वो पूछेगा थ्योरी का क्वेश्चन। इसमें फिल्टर सर्किट है कि जब एक रेक्टिफायर आउटपुट निकालता है वो ना पॉजिटिव साइकिल बार कर देता है, लेकिन जबकि हमें क्या चाहिए, एकदम फ्लैट करंट चाहिए। वो फ्लैट करंट तो आया नहीं ना, क्योंकि डीसी तो एकदम फ्लैट है। तो फिल्टर क्या करता है, फिल्टर करता है कि अगर मान लो पीछे से एक हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आता है, क्योंकि जब आप ये साइकिल्स देखते हैं, साइकिल्स ऐसे होते हैं, है ना, साइकिल जो है वो इस तरीके से पॉजिटिव साइकिल ऐसे चल रहे हैं, घूम रहे हैं। मेरे को ये चाहिए, तो इसके अंदर ये नहीं चाहिए और ये नहीं चाहिए। मान लो इसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इसमें फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, तो चेंजिंग फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, कॉन्स्टेंट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसमें एक फिल्टर सर्किट लगाऊंगा। फिल्टर सर्किट दो टाइप के हैं, पहला सीरीज इंडक्टर फिल्टर। सीरीज इंडक्टर में मैं इंडक्टर को, ये रेक्टिफायर है फुल वेव, सीरीज इंडक्टर के अंदर इंडक्टर को एंड में सीरीज में लगाऊंगा। इससे क्या होगा, बस एक लाइन में खत्म करते हैं इसे, इंडक्टर की रेजिस्टेंस इसके इक्वल है। अगर पीछे से फ्रीक्वेंसी बहुत हाई आती है, ओमेगा बहुत हाई आता है, तो XL की वैल्यू बहुत हाई हो जाएगी, यानी कि रेजिस्टेंस बहुत हाई ऑफर करेगा, इनफाइनाइट तक ऑफर कर देगा, ताकि हाई फ्रीक्वेंसीज को ये बाहर नहीं निकालेगा, फिल्टर कर देगा, क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस में ये फिल्टर जाने नहीं देगा, हाई फ्रीक्वेंसीज को ये ब्लॉक कर देगा। उसी तरीके से अगर लो फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको रोकना चाहते हो, फ्रीक्वेंसी एकदम गिर रही है, क्योंकि उठ भी रही है गिर भी रही है, तो आप शंट कैपेसिटर फिल्टर लगाओ। शंट का मतलब कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल। शंट का ये फायदा है कि अगर पीछे से फ्रीक्वेंसी लो आ रही है, ओमेगा कम है, तो एक्ससी ज्यादा है। बहुत लो वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसीज में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करके ये क्या कर देगा, आपके चेंजिंग फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देगा। मतलब लो फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करेगा कैपेसिटर, हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करेगा इंडक्टर, कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी को दोनों पास करा देंगे। और हम भी क्या चाहते हैं, कॉन्स्टेंट करंट डीसी बाहर आए, जिसके लिए दोनों फिल्टर्स इकट्ठे लगते हैं रेक्टिफायर के बाहर, इंडक्टर भी लगता है और कैपेसिटर भी लगता है। बस ये पता होना चाहिए, इसके ऊपर सीबीएसई में मुझे पता नहीं क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, बट अगर क्वेश्चन में कहीं ऑब्जेक्टिव के अंदर फिल्टर वर्ड आ जाए, कम से कम ये पता है कि क्या फिल्टर क्या करता है। डायग्राम बनाने को तो नहीं आएगा, बट एटलीस्ट देख के समझ में तो आएगा कि कैपेसिटर कर क्या रहा है इसमें, ठीक। तो क्योंकि फ्लक्चुएटिंग सिग्नल बाहर निकलेगा रेक्टिफायर में से और हमें कॉन्स्टेंट सप्लाई चाहिए, तो बहुत लो और बहुत हाई फ्रीक्वेंसीज को फिल्टर करना पड़ेगा, क्या लगा के, इंडक्टर और कैपेसिटर लगा के।